सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कोंडागांव में एफआईआर दर्ज कराई गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल झूठे और निंदा करने वाले बयान जारी के खिलाफ रिपोर्ट कराई थी। आपको बता दें कि इसमें एफआईआर दर्ज करा दी गई थी और मरकाम अपने समर्थकों के साथ इसके लिए थाने पहुंचे थे। उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष रवि घोष और नगर पालिका उपाध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव भी थे। वो आपत्तिजनक बातें किया है हमारे राहुल गांधी जी के ऊपर, हमने उनके खिलाफ एफआईआर किया है। आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी, अभी एफआईआर के बाद क्या कार्रवाई होती है उसे देखते हैं। उग्र आंदोलन होगा, इस प्रकार का गलत बात करते हैं इतने बड़े लॉयर होके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी थाने पहुंचकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है। आपको बता दें कि रवि घोष और नगर पालिका उपाध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव के साथ उन्होंने थाने पहुंचकर अपनी एफआईआर दर्ज करा दी है। ज्यादा जानकारी के साथ शीरेंद्र यादव जुड़ गए हैं हमारे साथ। शीरेंद्र, क्या है पूरा मामला और क्या था बयान जो कि जिसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है? सुब्रमण्यम जी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की के ऊपर बयानबाजी किया गया था, क्योंकि उन्हें एक शराबी और न जाने आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया था, जो कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने विरोध जताया। उसके विरोध में उन्होंने कल शाम कोंडागांव थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाया था। जी, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बिलासपुर के